ये वाला जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड कितने टैलेंटेड है ना, किसी की नज़र ना लगी। उनकी पता नहीं मुझे क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी हूँ बहुत ही अच्छी। तो फ्रेंड्स, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप सबको तो पता है यार, मेरी छोटी सी बेबी है, उसको संभालते संभालते और वीडियो एडिट करना मतलब मुश्किल हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगी, मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ठीक करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो नहा धो के मैं अभी तैयार नहीं हूँ, नहा के आई हूँ जस्ट, क्योंकि आज है शिव चतुर्दशी। सबसे पहले मैं आपको हमारा ठाकुर जी का घर दिखाती हूँ। और यहाँ पर मेरी मम्मी जो है पूजा की तैयारी कर रही है। और हमारे घर में दो क्यूट गोपू रहते हैं, एक है बड़े मियाँ और एक है छोटे मियाँ। तो मेरी मम्मी इस वक्त मुझे बोल रही थी कि पहले ठाकुर घर को अच्छे से सजा तो लो, उसके बाद वीडियो कर। मैंने कहा अरे मम्मी छोड़ो, कोई बात नहीं, ये ब्लॉग वीडियो है, चलता है। तो हमारे घर में 3 टाइम पूजा होती है, एक सुबह के टाइम, एक दोपहर और एक रात को। तो उसके बाद मैं रेडी होने गई थी और मैं रेडी होके आ गई हूँ। तो मैं पहले सोच रही थी कि हेयर स्टाइल कैसे करूँ, तो मैंने पहले बाल को खुला रखा था। तो उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने बंद बना लिया। और अभी मैं अपने हस्बैंड का भी वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने भी फास्टिंग रखा है। तो हम लोग जाएंगे कालीबाड़ी, वहाँ जाके हम लोग पूजा करेंगे। तो मैं बचपन से वहीं कालीबाड़ी में ही पूजा करती हूँ, और आज पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ ही वहाँ भी पूजा करूँगी। तो ये है पूजा की सामग्री। तो मैं आ गई हूँ कालीबाड़ी और मैं अपने हस्बैंड को वीडियोग्राफर बना दिया। मैंने कहा कि आप वीडियो करो। और ये देखिए हमारे शिव जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं पूजा देने, सब लोग दे देंगे, उसके बाद मैं भी दूंगी। तो ये है हमारे काली माँ, और इनके साथ शीतला माँ है और ब्रह्मा जी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड एक साथ ही पूजा दे दिया, और बाकी सब भी दे रहे हैं, आप शायद देख रहे होंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा था तो हम लोग एक एक करके नहीं गए, एक साथ ही दे दी। यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। पूजा कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर चले गए थे, और उसके बाद शाम को मैं, मेरे भैया और मेरे हस्बैंड, हम तीनों मिलके चले गए थे साइंस सिटी घूमने, अगरतला साइंस सिटी। तो अगरतला में साइंस सिटी बहुत दिनों से उसका प्लानिंग चल रहा था, लेकिन ये 4 जनवरी आई थिंक 2023 को शुरू हुआ था। तो तब हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग बैंगलोर में थे। और मैं साइंस सिटी बैंगलोर और कोलकाता का साइंस सिटी तो मैं देख चुकी हूँ। कोलकाता का मैं तो मैंने 2-3 बार देखा है, और यहाँ पे अगरतला में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। पहले देखा नहीं था क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, और इसलिए आज सोचा कि चलो साइंस सिटी देख के आते हैं। तो यहाँ पे बाहर नेशनल फ्लैग लगा हुआ था जो कि हवा में उड़ रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं एक बात बताना भूल गई थी, यहाँ पे टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है, और यहाँ पे हमने एक टिकट 30 रुपये का लिया था, और मंडे को क्लोज रहता है, और बाकी दिन सुबह के 11 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। और अभी हम लोग अंदर आके, अंदर थोड़ी ठंडी लग रही थी, तो यहाँ पे आके मैं फ़ोटो, पहले बोल रही थी कि पहले फ़ोटो खींचो मेरी और मेरी बेटी का। लड़कियों को क्या होता है,
कहीं पे भी जाओ फोटो तो पहले फोटो ही खींचना होता है, बाकी सब चीजें बाद में देखो। तो मैं यहाँ पे मेरी बेटी के साथ फोटो खींचने लगी और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड और भैया को भी बोला था कि फोटो खींच लो, और वो लोग बोल रहे अभी नहीं बाद में खींचूंगी। अभी हम सब मिलके देखते हैं साइंस की बनी हुई कारनामे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये घूम घूम के नीचे जाएगा और नीचे से वापस ऊपर आएगा, तो इसलिए मैं वीडियो कर रही थी। लेकिन ये घूमता रहा और नीचे भी चला गया लेकिन वापस नहीं आया। तो फिर हम लोग आ गए हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने, और वो है मेरे हस्बैंड का टैलेंट। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड को बास्केटबॉल खेलना भी आता है, तो ये देख के मुझे पता चल गया कि उनको बास्केटबॉल खेलना भी आता है। तो मेरे हस्बैंड कितने टैलेंटेड है ना, किसी की नज़र ना लगी। तो यहाँ पे सब लोग देख रहे थे, मुझे लगा कि नहीं होगा शायद, लेकिन हो गया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा खुश हो गए कि मुझसे शादी करने के बाद भी इतना ज़्यादा खुश नहीं हुए शायद। फिर यहाँ पे मुझे छोटा सा मिरर दिखाई दिया और सेल्फी ना ले, ऐसा कभी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मिरर सेल्फी ले रही थी, और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए हैं ग्रीन त्रिपुरा में, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे ग्रीन त्रिपुरा के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा में जितने भी सारे एनिमल्स बर्ड्स हैं, मतलब है नहीं थे, पहले बहुत सारे थे, अभी तो थोड़ा बहुत है, तो पहले जितने भी सारे थे वो सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एनिमल देखने आ गए हैं, यहाँ पे एनिमल आएगा एक एक करके, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, नाम मुझे पहले पता था पर अभी नाम याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। फिर अभी आएगा हाथी, तो हाथी जो है वो सामने आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने ही चल के जा रहा है, और मैं पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी, जैसे ऐसे ही लग रहा था कि सामने हो। हाथी के जाने के बाद हमारे बीच आ गया है टाइगर। तो ये टाइगर जो है मेरे सामने खड़ा हुआ है, और मैं टाइगर को हाय कहते हुए फिर हम लोग यहाँ से चले गए। उनकी पता नहीं मुझे क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोग आ गए 3D शो देखने। 3D शो देखने के लिए भी अलग से टिकट लेना पड़ता है, और वो भी 30 का होगा। फिर उन लोगों ने हमें चश्मा दे दिया, और मैं सबको बोली कि चश्मा लगाओ, एक सेल्फी ले लेते हैं। और उसके बाद ये काला चश्मा पहन के मुझे गाना याद आ गया, तेन काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, तेन काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। और मेरी बेटी जो है अपने मामा की गोदी में थी, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और अंधेरा भी हो चुका था, और हम लोग वहाँ से कुछ खा के घर के लिए निकल गए थे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और शेयर भी कर देना। बाय बाय।